माय नेम इज देवेंद्र कुमार। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैटलैब में एक न्यू वीडियो के साथ। ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरएलसी सीरीज सर्किट। ओके तो उसमें हम सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए यूज करेंगे उसको, ठीक है। और उसमें दिखाएंगे किस तरह वोल्टेज करंट से लैग करती है, लीड करती है, ठीक है। तो हम आर और एल और सी, ये थ्री जो एलिमेंट्स हैं, इनको सीरीज में लगाएंगे, ठीक है, विद इन सीरीज ऑफ द एसी सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। ओके तो आइए शुरू करते हैं। ओके तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे सिमुलिंक पे। ओके इट विल टेक सम टाइम। ओके यस इसमें आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक मॉडल, डबल क्लिक। ओके इट विल टेक ऑल्सो सम टाइम। ओके इट विल टेक सम टाइम। वी विल वेट। वैसे मैटलैब जो है एक ही इतना गुड सॉफ्टवेयर है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके तो ये बेसिक आपको आइडिया दे देता है कि सर्किट में, मान लो सपोज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कितना करंट किसी भी सर्किट में कितना फ्लो होगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट वेव फॉर्म उसको शो कर देता है, ठीक है। वैसे होता ये है कि यदि आप इस पर वर्क करते हैं मैटलैब पे और यदि आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इतना नहीं कि मतलब कुछ परसेंट एरर हो सकती है प्रैक्टिकल और इस सॉफ्टवेयर पे, मैटलैब सॉफ्टवेयर पे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम ही रिजल्ट आते हैं। ओके लेकिन डिपेंड करता है कि यदि आप डीसी वर्क कर रहे हैं या फिर एसी पर वर्क कर रहे हैं। ओके तो ये सिस्टम टू सिस्टम और सर्किट टू सर्किट डिपेंड करेगा। ओके तो दिस इज द न्यू पेज। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें सर्किट डिज़ाइन करेंगे। ओके तो ये ओपन हो गया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं सिमुलेशन पे जाते हैं और सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, फाइल सेव कर लेते हैं इसकी। तो इसको हम नाम दे देता हूँ आरएलसी सीरीज सर्किट। ओके डेस्कटॉप पे लेके जा रहा हूँ मैं, ओपन कर लेते हैं एल सी सीरीज सर्किट। ओके तो इतना ही नेम लेगा नहीं, आर एल सी लिख देते हैं, सिर्फ ज़्यादा लॉन्ग वर्डिंग लेता नहीं ना ये। ओके तो आर एल सी में सेव कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे कहाँ पर, सबसे पहले आप जाएंगे लाइब्रेरी में। ओके तो लाइब्रेरी में सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है कॉमनली यूज ब्लॉक में। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, स्कोप ले लीजिए आप, ठीक है, इसके मीजू पढ़ लेंगे। इट जस्ट वर्क एज DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ओके ये वर्क करता है और इसमें हमारे कोई काम का है नहीं, इसमें और कोई काम का हमारे अभी नहीं है जो हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके फिर इसके देन आप जाएंगे सिम स्केप में, ठीक है, और यहाँ पर आपको जाना है इलेक्ट्रिकल में। ओके एंड देन आपको जाना है स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम में। ओके और देन आपको यहाँ पर क्या क्या लेना है, एक तो पावर गाई लेना है, तो ऐड ब्लॉक टू मॉडल आरएलसी। ओके आपको सोर्स में जाना है, यहाँ पर लेना है आपको एसी वोल्टेज सोर्स। ओके एंड देन थोड़ा बैक आ गए, हाँ पैसिव में जाना है और पैसिव में आपको लेना है सीरीज आरएलसी ब्रांच। ओके और आपको एक मेजरमेंट लेना है, इसे कर लेते हैं सर्च, करंट मेजरमेंट, करंट
मेजरमेंट, मैंने सर्च किया होगा तो इसमें पहले से आ गया है, ठीक है, तो करंट मेजरमेंट आ गया, ओके, एड ब्लॉक टू आरएलसी, ओके, एंड देन आप यहाँ से भी जा सकते थे क्योंकि इसमें आपका आ रहा था ना ये, यहाँ पे आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर एंड मेजरमेंट, ओके, तो यहाँ पर आ जाता है, ओके, ये आपका सेंसर एंड मेजरमेंट, इसमें नहीं, इसमें नहीं आ रहा है अभी, एक मिनट, सॉरी, सेंसर मेजरमेंट ये है, सेंसर मेजरमेंट, वो गलत क्लिक हो गया था। तो सेंसर मेजरमेंट पे एक तो हमने करंट मेजरमेंट तो कर लिया, ये वाला लेना था आपको, और एक है वोल्टेज मेजरमेंट, तो यहाँ से कर लीजिए, एड ब्लॉक टू मॉडल आरएलसी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हमारे आइटम हमें मिल गए। तो एक तो आपके पास ये था, ठीक है, एक आपके पास एमीटर आरएलसी, और ये एसी वोल्टेज सोर्स है, ये पावर गाइज है, और ये आपका स्कोप है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एसी सोर्स है, ये आपका एमीटर है, ठीक है, तो एमीटर को हमने इसको सीरीज में लगाते हैं, तो इस तरह कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या करते हैं, इसकी हम कर लेते हैं जस्ट कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो मुझे चाहिए, मैं कैसा कर क्यों रहा हूँ अभी देखते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे रोटेट क्लॉकवाइज कर लीजिए, ठीक है, इसको भी ऐसे ही करना है आपको, फॉर्मेट में जाएंगे और रोटेट क्लॉकवाइज, ओके, फॉर्मेट में जाएंगे और रोटेट क्लॉकवाइज, क्लियर, अभी रहिए आप, ठीक है। तो इसको मुझे बनाना है आर, ठीक है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट बनाना है, ठीक है, और यदि मैं इंडिविजुअल बनाऊंगा तो इंडिविजुअल ही वोल्टमीटर लग जाएगा, अदरवाइज तो फिर ये कनेक्शन ही बनते हैं, यदि मैं एक ही लगाऊंगा तो कनेक्शन कभी बनेंगे ही नहीं, ठीक है, उसमें कभी ऐड नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए फिर वो, क्योंकि पूरी की पूरी वोल्टेज दिखा सकता है, मैं दिखा भी सकता हूँ। मान लो सपोज आप एक काम कर सकते हैं, यदि इसको ही लेना है मान लीजिए, ठीक है, ये ये, ठीक है, और एक अपने यहाँ पर कनेक्ट कर दे, ठीक, मान लो सपोज वोल्ट मीटर आपको, इसमें आपको चाहिए कंट्रोल वी, ठीक है, ये हमें 3 चाहिए उसे, ठीक है। तो अब देखिए, यदि मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी ले लूँ, ठीक है, और इंडक्टर की वोल्टेज भी ले लो, सब ले लो आप, ठीक है, तो और कैपेसिटर वोल्टेज भी इंडिविजुअल है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्योंकि आपने एक ही, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट एक ही किया है, ठीक है, आरएलसी, ठीक है, सीरीज ब्रांच, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आरएलसी ये अलग अलग लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको कनेक्ट करने के लिए, तो अभी ऑप्शन है नहीं आपके पास इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर तो इसको कभी भी मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आप कैसे, हाउ टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओके, तो नहीं कर सकते आप, तो इसलिए हमें इंडिविजुअल एक आरएलसी सीरीज ब्रांच का एक इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें सेटिंग होती है, आप उसमें जाकर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये इसको आर बनाया जा सकता है, ठीक है, ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये पर्टिकुलर एक के ले लीजिए, ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद में एक आरएलसी और लोगे अलग से, ठीक है, जैसे ये लिया था मैंने, तो फिर ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ओके, तो कंट्रोल देते वापस आएंगे, कोई नहीं, इसे फिर से मैं आरएलसी बना देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज बता सकता है इसके अक्रॉस, लेकिन इंडिविजुअल नहीं देगा कभी भी, ठीक है, तो फिर हम डीएसओ लगाएंगे तो ये पूरा आपको यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा मेन एम ये नहीं है, हमें तो इसको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, आर की अलग, एल की अलग और सी की अलग, ओके, तो करते हैं भाई, इसको हटा लेते हैं अभी, ओके, तो मैं कर लेता हूँ, इसको भी हटा देते हैं अभी, इसको मुझे बनाना है आर, ओके, और इसकी वैल्यू मुझे रखनी है 1000 ओम, ठीक है, ये हो गया, तो इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, ये ठीक है, उसके बाद में फिर ये भी था एक यहाँ पे ले लेते हैं इसको थोड़ा सा गैपिंग के साथ में, ये आ गया, ठीक है, इसको मुझे बनाना है एल, ठीक है, क्योंकि ये आरएलसी सीरीज ब्रांच ही है, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है कि इसको आरएलसी या आरएल, आरसी, आरएलसी कुछ भी बना सकता है, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये आरएलसी सीरीज ब्रांच ही लेते हैं और इसी में हम इंडिविजुअल बना लेते हैं, इंडिविजुअल चाहिए इंडिविजुअल ले लो, और यदि एक साथ चाहिए तो एक साथ ले लीजिए आरएलसी, ठीक है, लेकिन मुझे बनाना है इस बार एल इसको, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 10,
ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, मैं उसके बाद में करना है मुझको सी लेना है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सी बना लेता हूँ इस बार। ठीक है, ये तो इसको बना लीजिए आप, इसको बना लीजिए आप 25 माइक्रो फैरड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 पीके पर मैंने सीखा, 25 माइक्रो फैरड हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, इसको मिली हेनरी बना लेते हैं। हाँ, मिली हेनरी, वो 10 मिली हेनरी। ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। उसके बाद में फिर इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल इसका, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट, अब देख लो ईजिली हो गया ना, तब नहीं हो रहा था क्योंकि ये इसके बीच में जो गैपिंग है ये वाली, ये यहाँ पे ही कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज वहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ये इंडक्टर की वोल्टेज को बता देगा। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक, ये उसके बाद में फिर ये इंडक्टर की वोल्टेज यहाँ पे दिखा देगा। सही है, बिल्कुल। उसके बाद में फिर आपको कैपेसिटेंस की वोल्टेज चाहिए, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कर लीजिए आप। क्लियर, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कैपेसिटेंस की वोल्टेज को शो कर देगा। ये आपने रखा है DSO। क्लियर, तो DSO में फिर आपको एक तो ये मेजरमेंट कर देगा रेजिस्टेंस की वोल्टेज को कर देगा, ये आपको शो कर देगा किसको, ये इंडक्टर की वोल्टेज को, ये कैपेसिटेंस की वोल्टेज को मेजर कर देगा। क्लियर, उसके बाद में मुझे चाहिए एक करंट की वोल्टेज भी चाहिए, करंट मेजरमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो करंट बाद में देखते हैं, पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी भी चेंज कर दीजिए, इसको कर लो आप 323 कर लीजिए। ठीक है, या 220 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 230 वोल्ट कर लीजिए। इसको कर लीजिए 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जाना है सिमुलेशन पर, इसको रन करा के देखना है कि किस तरह की वेवफॉर्म आ रही है। ओके, इट विल टेक सम टाइम। ओके, प्लीज वेट वेट एंड वॉच। ओके, अब जाएंगे अब DSO पे। ठीक है, चेक करेंगे किस तरह की वेवफॉर्म आ रही है हमारी, डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना है आपको इसमें, ठीक है, और उसके बाद में आपको जाना है लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद में कितनी वेवफॉर्म है आपके, ये 3 वेवफॉर्म में, तो 3 लेआउट ले लीजिए। ठीक है, तो ये 3 लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, उसके बाद में फिर से आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सब एग्जैक्ट वेवफॉर्म दिखा देगा, जो भी जिसका अपना स्टेप साइज है। ठीक है, इसका स्टेप साइज इतना है, इसका इतना है, इसका अलग अलग है। ठीक है, तो लेकिन मुझे हमें ये नहीं पता लग रहा कौन वेवफॉर्म किसकी है। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, वेव में जाएंगे और लीजेंड पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर, तो लीजेंड में शो कर देता है वोल्टेज वेवफॉर्म, वोल्टेज मेजरमेंट 1, वोल्टेज मेजरमेंट 2। ओके, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि इंडक्टर की वोल्टेज कौन सी है और कैपेसिटेंस की कौन सी है, रेजिस्टेंस की कौन सी है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, सबसे पहले आप जाओ यहाँ पर, यहाँ पे देखो ये आ रहा है मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, लेट्स ट्राई, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, रेजिस्टेंस वोल्टेज, कैप्स लॉक ऑन करके लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से मज़ा भी आएगा हमें देखने में ना, वोल्टेज। क्लियर, उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद में हम देखना कितना अच्छा लगेगा आपको देखने में। इस वेट इसमें लिख दीजिए इंडक्टर वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है, यस, उसके बाद में वोल्टेज हो गया, यस, उसके बाद में लिख दीजिए यहाँ पर कैपेसिटेंस वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज। क्लियर, कोई नहीं, वोल्टेज क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे ये तो DSO है, इसे स्कोप रहने दो या DSO लिख दो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया DSO सपोज, वो थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये हो गया, क्लियर, नो प्रॉब्लम। देखने में थोड़ा अच्छा सा लगेगा आपको, ये थोड़ा बड़ा देखना चाहते हैं, फिट टू व्यू कर दो, आ गया पूरे सर। ठीक है,
तो अब देखते हैं दोबारा से इसको रन करा के, आ जाइए आप ये देखिए। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखते हैं किस तरीके हमारी हमारी ठीक है। अभी देखो ये आ रही है ना इसमें जो ट्रायंगल वेव शेप है, तो इसमें क्या करेंगे इसे कंटिन्यूस कर लेते हैं ठीक है। कंटिन्यूस करेंगे तो, और जैसे हमने चेंज किया था रेजिस्टेंस वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज, सब पहले हमें रन कराना होता है ठीक है। तो रन कराएंगे पहले हम क्या करते हैं इसको थोड़ा इसको डिस्क्रीट में कर लेते हैं। इसका डिस्क्रीट का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि आप यदि जैसे सपोज मान के चलिए पहले तो वो उनको जूम आउट करके दिखा रहा था ठीक है, ये जूम इन कर दिया इसने एक तरह से डिस्क्रीट में ना, स्मॉल कर दिया तो स्मूथ मतलब कंटिन्यूस कर दिया ठीक है। तो कंटिन्यूस वेवफॉर्म के जब भी देखेंगे आप मतलब एसी वेवफॉर्म में कम भी वर्क करेंगे तो डिस्क्रीट में आप देखेंगे तो अच्छे से शो करेगा ठीक है। इसलिए हमें जब भी हमें एसी वर्क करना है तो डिस्क्रीट में ही काम करेंगे ओके। तो वेवफॉर्म एग्जैक्ट आएंगे आपके तो चेक भी कर सकते हैं ओके। फिर रन कराएंगे अब और फिर देखेंगे आप इसको ठीक है। अब देखते हैं कैसी आती है वेवफॉर्म, ये देखिए आप ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये देखिए आप पहले से देखो बहुत ठीक से आएंगी। और देखो अभी मैंने चेंज किया था ना रेजिस्टेंस वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज, तो सबका पता लग गया, अब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये वोल्टेज किसकी है, ये किसकी है और ये किसकी वोल्टेज है ठीक है। तो अब आप आराम से क्लियर हो सकते हैं इसके लिए ना। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको है ना, ये देखिए कितनी मस्त वेवफॉर्म आई है ना, अच्छा सा लग रहा है ना देखने में, नहीं लग रहा। यस ये देखिए क्या बिंदास वेवफॉर्म आई है, नहीं ठीक है ये देखिए। अब एक काम और करते हैं इसमें, हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब मुझे करंट की वेवफॉर्म भी देखनी है। तो करंट की वेवफॉर्म देखने के लिए मैं इसको नीचे लगा लेता हूँ यहाँ पे ना फोर पे, क्योंकि 1 2 3 4 हो जाएंगे ना। और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, इसको करंट मेजरमेंट नाम दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं इसे देता हूँ टोटल सर्किट करंट ठीक है। टोटल सर्किट करंट, यदि आप ऐसे ही मेरी इन वीडियो को देखते रहे और मेरे मतलब टच में रहे ठीक है, तो मैटलैब में आपकी बहुत अच्छी करा दूंगा क्लियर। बस मेरे इन वीडियो को आप लाइक करना ओके, और प्लीज़ जितना भी हो सके इनको आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना ओके। तो अब मैंने लिख दिया इसको टोटल सर्किट करंट ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब दोबारा से इसको रन कराएंगे ठीक है, और फिर देखते हैं किस तरह की वेवफॉर्म आती है ठीक है। तो इससे हम रियलाइज हो जाएगा ठीक है। ठीक, अब उसके बाद में अब इसे देखते हैं DSO पे, रन तो मैंने करा दिया था ठीक है। ये देखो 4 आ रही है ना, तो यहाँ पे फिर से जाएंगे आप, 4 लेआउट ले लीजिए इस बार ना, ये देखो 4 आप लेआउट आ जाएंगे अब ये आगे ठीक है। फिर दोबारा से क्या करेंगे, इस पे जाएंगे तो ये जो स्मॉल लेवल पे है ना ये ठीक है अपने फुल स्टेप साइज में आ जाएगा ठीक है। जितना भी उसका स्टेप साइज होगा तो उस पर डबल क्लिक कर देंगे बस, आप अपने आप ही ले लेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आगे ठीक है। अब क्या करेंगे आप, सॉरी अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है ठीक है, और इसको जूम आउट करना है। अब देखते हैं करंट से कंपेयर करा लेंगे ना, अब देखो उसमें कहीं भी आ रहा होगा टोटल सर्किट करना ही, अब अपने आप से ही कर सकते हैं ठीक है। अब तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप खुद भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते बिल्कुल देखेंगे ना, ये देखिए आप ठीक है। ये मैंने 0 पे कर दिया रेजिस्टेंस वोल्टेज ठीक है। अब करंट भी जो है, जो टोटल सर्किट करंट है वो भी 0 पे होनी चाहिए, द करंट शुड बी ऑन 0। व्हाई, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है रजिस्टर वोल्टेज है वो सेम फेज में होती है करंट के ओके। तो करंट के सेम फेज में है, ऑब्वियसली करंट के सेम फेज में है ठीक है। अब मैं यदि इंडक्टर वोल्टेज की बात करूँगा करंट से, देखिए इंडक्टर वोल्टेज जो है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है ठीक है, और इन जो करंट है वो क्या कर रही है आपकी, वो आपसे वो लैग कर रही है किससे, इंडक्टर वोल्टेज से। यदि कैपेसिटिव वोल्टेज की बात करता हूँ
तो कैपेसिटी वोल्टेज जो है वो क्या कर रही है, वो लैग कर रही है, लैग कर मीन्स यहाँ से जा रही है, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव से आ रही है, तो नेगेटिव से मीन्स क्योंकि ये अपर हाफ है, जीरो से नीचे वाला लोअर हाफ है, तो लोअर हाफ से आता है, तो इसका मतलब ये लैग कर रही है, कैपेसिटी वोल्टेज लैग कर रही है किससे, का टोटल सर्किट करंट से, और टोटल सर्किट करंट जो है वो इस केस में कैपेसिटी वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक, कितने एंगल से कर रहा है ये मैंने पता, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, टेन फाइव इक्वल टू जो होता है आपका, ठीक है, उससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ओके, उससे हम कर सकते हैं उसको, क्लियर। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब मैं इसको बता सकता हूँ, उसको मैं बता सकता हूँ आपको कि किस तरह से टोटल सर्किट करंट आई है, ठीक है, तो इसमें हम जिस कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये आपका 0.6 है, क्लियर, ये 0.6 के 0.6 से 0.8 के बीच, मतलब 0.8 है ये जो वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है, और ये कर रहा है कितना, ये 30 वोल्ट, मतलब 28 वोल्ट के अराउंड, 29 वोल्ट के अराउंड जो है ये कैपेसिटी वोल्टेज है, तो VL माइनस VC है, तो मतलब जो कैपेसिटी वोल्टेज है वो हायर है किससे, इंडक्टिव वोल्टेज से, तो इसका मतलब ये हाईली कैपेसिटिव सर्किट है, ओके, तो ये जो वेवफॉर्म है ये हाईली कैपेसिटिव वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ओके, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटी सर्किट हाईली कैपेसिटिव है या फिर हाईली इंडक्टिव, ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, ये मैंने लिया था आज कि सब दिखाते हैं कि किस तरह से ये आपका मतलब बन सकता है, ओके, किस तरह सर्किट आपका डिजाइन हो सकता है, और बेसिकली हमें जो करना होता है इसमें वो यही है कि किस तरह से हमारी वेवफॉर्म शो हो, या फिर जैसे मान लो सपोज आपको देखना हो कि इसमें हम किस तरह से मतलब हम दिखा सकते हैं कि जैसे इनपुट पावर है सपोज, ठीक है, और आपका आउटपुट पावर है वो कैसे मतलब शो हो, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं, ओके, तो एक मिनट, अब मान लो सब बात कर लेते हैं किसकी, इनपुट पावर की, ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें एक लो अप डिस्प्ले, ओके, सिमुलेशन पे जाओ आप लाइब्रेरी में और डिस्प्ले सर्च करो, ठीक है, डिस्प्ले में आप आएंगे तो ये, ठीक है, ऐड टू ब्लॉक, ठीक है, और एक ले लीजिए आप इसमें डिस्प्ले आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्प्ले होता रहेगा कितनी वोल्टेज है क्या है, एक ले लीजिए इसमें RMS, ठीक है, यहाँ भी जो है ना एक आप क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है और छोड़ देना है यहाँ पे माउस को, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है, फिर जो भी लिखोगे आ जाएगा, मतलब क्या आपको लेना है RMS, ठीक है, ये आ गया, RMS, हाँ ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, एक वो ले लीजिए वोल्ट मीटर, इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V, ठीक है, और इसको यहाँ पे लगा दीजिए, क्लियर, और इसको कर दीजिए आप इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, और इसको यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, और फिर इसको, क्योंकि क्या है ना, यदि मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो डायरेक्ट दिखाएगा नहीं, एक ही पावर माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि AC है, ठीक है, यदि मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो DC में तो डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन RMS वैल्यू को ही मेजर करके दिखाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने RMS ले लिया, उस RMS में भी चेंज कर लेते हैं, रनिंग RMS, ठीक है, और ये कर लेते हैं हम, हाँ ठीक है, बस इतने कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो चेक करते हैं, ठीक है, अब देखो 162.6 है, ठीक है, अब वोल्टेज कितनी है आपकी,
अपन ने 230 रखा हुआ है, ठीक है। करंट, तो करंट से मल्टीप्लाई कितना है, तो करंट कितना होना चाहिए देख लेते हैं। DSM आ ही रहा था वो हमारा, अब देखो DSM कितना करंट दिखा रहा है, ये टोटल सर्किट करंट है। तो 0. ये देख रहे हो ना आप, 0.2 से, मतलब 0.25 से तो बहुत कम है, तो इन दोनों के इन बिटवीन है, 0.20, 0.20, 0.25, तो मतलब इनके इन बिटवीन है, तो 0.22 हो सकता है, ठीक है। तो 0.225 हो सकता है, 0.225, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई उसमें करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट दिखा रहा है। तो आउटपुट पावर कितना है, तो आउटपुट पावर देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इनपुट वोल्टेज लगाना है, क्लियर। कॉपी, ये तो वोल्टेज लगा हुआ, ये बस रनिंग SMS लगा हुआ, ये रनिंग RMS लगाना है। SMS पे ध्यान जाता है ना, SMS थोड़ी करना है, हम तो रनिंग RMS, रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ओके। ये भी RMS SMS की तरह ही लग रहा है ना, कोई नहीं, हो जाता है। कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें कम कर सकते हो आप, इसमें मल्टीप्लेक्सर लगा लेते हैं, ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसको ज़रूरत नहीं है इसकी। इसमें क्या करना है मुझको, मुझे ये करना है कि इसके लिए जो करंट है, ठीक है, इन दोनों के लिए एक मल्टीप्लेक्सर ले लेते हैं। तो यहीं पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नहीं है, मल्टीप्लायर इट विल टेक सम टाइम, नहीं 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 आपको प्रोडक्ट लेना, सॉरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ले जाना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में, हाँ क्लियर। तो प्रोडक्ट ही आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट में मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं लूँगा करंट, ओके। उसके बाद मैं लूँगा एक किसकी वोल्टेज, रजिस्टिव वोल्टेज, तो ये रजिस्टिव वोल्टेज और मल्टीप्लाई बाय करंट, तो दोनों को दे देगा। तो रजिस्टिव वोल्टेज और जो टोटल सर्किट करंट है वो, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ दे देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं क्या, एक डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ मैं एक डिस्प्ले, कंट्रोल भी, ठीक है। तीन की जरूरत पड़ेगी बस, क्लियर, ये ठीक है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट है वो दो और ले लीजिए आप, ठीक है। ये तो फिर से एक करंट का ले लो पहले, तो आप ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अब इंडक्टिव वोल्टेज ले लो, इंडक्टिव वोल्टेज ये रहा, ये यहाँ, ठीक है, यस। अब प्रोडक्ट एक इसका ले लीजिए, इसमें क्या है, एक तो ले लीजिए आप, कौन सा एक तो ले लीजिए, पहले करंट का मल्टीप्लीकेशन ये ले लिया, करंट की लाइन है ना, हाँ। उसके बाद में फिर ले लीजिए आप कैपेसिटी वोल्टेज ले लिया, एंड देन ये यहाँ पे, और उसके बाद में ये वाला ये, ठीक है। तो ये तो बताएगा किसकी, रेजिस्टेंस की वोल्टेज, ठीक है, सॉरी ये पावर बताएगा, पावर ऑफ आर, ठीक है, कितना कंज्यूमर आ रहा है, ठीक है। और ये बताएगा आपका पावर ऑफ, पावर ऑफ एल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये पावर बताएगा आपकी, पावर ऑफ सी, ठीक है, पावर सी में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा जो भी, ठीक है। तो देखते हैं, तो चेक करते हैं दोबारा, इसको रन कराते हैं और डिस्प्ले में शो होगा, ठीक है। देखिए तो जो इनपुट पावर है वो इज इक्वल टू आउटपुट पावर के होनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें पावर जो आ रही है वो पावर ऑफ आ रही है, इसमें आर, आर की पावर कितनी है, पावर ऑफ आर वो आपका 0.7912, ओके,
रजिस्टिव वोल्टेज, और ये इतना है आपका पावर ऑफ सी। अच्छा, कुछ आपका उसमें भी चला जा रहा है ना, लॉसेस में, लॉसेस में इतना इतना कैसे चला जाता है। ओके, एक काम कर सकते हैं इसमें हम, इसमें हम ये चीज़ हमारा, इसमें हम देख सकते हैं कि वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, ठीक है, यहाँ पे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलो इसको इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, अभी प्रोडक्ट रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही इसकी वोल्टेज कितनी है चेक कर लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए नो प्रॉब्लम। उसके बाद में फिर इंडक्टिव वोल्टेज कितनी है, डिस्प्ले पे चेक कर देगा नहीं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक रनिंग आरएमएस भी लगाना होगा, रनिंग आरएमएस लगाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि वो आपका नहीं दिखाएगा उसमें ना, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसी की बात करो इसलिए नहीं दिखाएगा। ओके, हाँ ये मैंने बस एसी लगा दिया है, ठीक, तो अभी एग्जैक्ट दिखाएगा ना आपकी रनिंग, क्योंकि आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, क्योंकि जो डीसी वैल्यू होती है वो भी एक तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है, लेकिन डीसी बोलते नहीं हम, ठीक है, रन कराते हैं दोबारा देखते हैं, ठीक है। मैंने उसको चेंज कर दिया अभी के लिए, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी के लिए इतने करते हैं, पावर का बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखिए आप, ठीक है, अभी इसको पावर को हटा देते हैं, अभी एक मिनट वेट करते हैं। ये वोल्टेज ऑफ आर है, ये वोल्टेज ऑफ एल है, ठीक है, मुझे सर पहले डिस्कस करना चाहिए था वोल्टेज के लिए ना, वोल्टेज कितनी है, पावर का बाद में का बात करनी थी, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि पावर में हुआ ये है कि कुछ लॉसेस भी हुए हैं, तो वो पावर जो है, क्योंकि हम उसमें ये रीड कर रहा है किसको, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो कर नहीं देता, क्योंकि उससे पहले हमें ये आरएमएस, रनिंग आरएमएस ना, ये सब लगाना था, तब हमारी एग्जैक्ट पावर दिखाता, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, सिर्फ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किस तरह दिखा रहा है, तो कितनी है 161.1, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पर है इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी होगी इस आर, एल और सी के अक्रॉस, तो कितनी दिखाएगा, जितनी यहाँ पर अपन दी हुई है कितनी 230, तो 230 वोल्ट, मतलब 230 होनी चाहिए, लेकिन 230 तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ आरएमएस वैल्यू को रीड कर रहा है ना, क्योंकि आरएमएस वैल्यू को रीड कर रहा है, तो आरएमएस वैल्यू को रीड कर रहा है, तो मीन्स आरएमएस वैल्यू कितनी है इसके अक्रॉस 162.6, तो इतनी ही इधर होनी चाहिए, तो इनपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट आउटपुट वोल्टेज होनी चाहिए, तो देखो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में वो सिर्फ आपका कितना आएगा, ये आ रहा आपका 161.4, ठीक है, और ये दिखा रहा है 0.507, और ये दिखा रहा है आपका कितना, ये दिखा रहा है आपका, एक मिनट, ये कहाँ पे हुआ है आपका, ये एक मिनट, अच्छा हाँ सही है, ये आपका यहाँ पे सही है, और ये हाँ, और तो ये दिखा रहा है कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज में क्या होगा कि जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी कैपेसिटेंस के, ठीक है, ये आपका स्टोरेज एलिमेंट है, ठीक है, तो मैंने इसको कैपेसिटेंस कितना रखा हुआ है, ये 25 माइक्रोफैराड, ठीक है, और वो है मेरा 110 मिली हेनरी, ठीक है, तो इसलिए ये आपका जो कैपेसिटेंस वोल्टेज है इतनी वोल्टेज को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, इसको होल्ड करके रखा हुआ है, कितनी वोल्टेज 20.55 वोल्टेज, क्लियर, ठीक है, और ये 0.507 वोल्टेज को इन्हें कर रखा, ठीक है, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा वोल्टेज को होल्ड करके रखा हुआ है कैपेसिटेंस, ठीक है, आपने देखा भी था वेवफॉर्म में, क्योंकि जो इसकी वोल्टेज है वो इसके कंपेयर में कितनी है, देखो कैपेसिटर वोल्टेज कितनी है 29 समथिंग, ठीक है, और ये 0.62 समथिंग रखा हुआ है, तो इसलिए, ठीक है, तो ये इसलिए जो है, जबकि वोल्टेज कितनी होनी चाहिए 162.6 होना चाहिए इधर भी सबका सम, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इन दो वोल्टेज का ही आ रहा है, ठीक है, इसका नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज अपने पास भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक, तो इसने रूट मीन उसका वैल्यू दे दी निकाल के 20.55, ठीक है, अगेन इसको वो करते हैं रन, एक मिनट देखते हैं, तो आप प्लीज़ इसको ना इस तरह से
दिखा सकते हैं, सर्किट में बहुत सारे आइटम्स हैं ये, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, इन सबको लगा सकते हैं, लगा कर देख सकते हैं किस तरह से वेवफॉर्म आ रही है, किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। तो डे बाय डे यदि आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। हम भी मैंने भी कभी सीखा ही है, ठीक है, मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था, मैं भी धीरे 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 करके सीखा हूँ, ठीक है, चीज़ों को। तो इसलिए आप भी जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को परफेक्ट बनाती है, ओके। तो मिस्टेक होंगी स्टार्टिंग में, मैं मानता हूँ मिस्टेक हमसे भी होती हैं, ठीक है, अब भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मिस्टेक से ही आदमी सीखता है, ओके। तो पहले आप एक काम किया करो, सबसे पहले जो है कोई भी सर्किट लो, और सर्किट लेकर के उसको जो है पहले आप कॉपी पे ड्रॉ करो। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ले लिया, उसमें वोल्टेज लगा दो, ठीक है, फिर करंट देखो उसमें कितनी आ रही है, थ्योरेटिकल वैल्यूज, ठीक है, उन थ्योरेटिकल वैल्यू को मैच करो इस मैटलैब में, ठीक है, तो तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, बहुत अच्छे से, और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसमें करने में ना। तो वहाँ पे चेक करो, फिर यहाँ पे चेक करो, तो आपको आपके मतलब वो न्यूमेरिकल है उसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, उसको फिर देखो, सर्किट ड्रॉ करो, फिर चेक करो कि आपका वो मैटर जो भी अपने थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब निकाली हैं, ठीक है, उनको वो मैच हो रही है नहीं हो रही है, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा न्यूमेरिकल भी और यहाँ पे जो सर्किट है, ठीक है। मोस्टली जो सर्किट डायग्राम है वो वाले सर्किट हमें बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, और चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा फील होगा आपको, ओके, बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर, ओके, थैंक यू, ओके। एंड गाइस प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, ओके, एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ओके, बाय।